हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद होगा अच्छे होंगे। और हमने सोचा कि आप सबको सरप्राइज दे ही देते हैं। क्यों, कैसा लगा मेरा सरप्राइज बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और चलिए, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, खुश होंगे, और जैसे भी होंगे अपनी दुनिया में खुशी ही होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, तो सुनाते हैं तद्रिशा और अंकिता की स्टोरी, और आप सब इससे क्या सीखते हैं ये भी मुझे जानना है। खैर, किसी किसी को ये स्टोरी पसंद आई होगी, किसी किसी को नहीं आई होगी। तो इतना ना सोच विचार करते हुए आगे बढ़ते हैं अपने स्टोरी पे, और प्रीवियस पार्ट देख लेते हैं कि हमारी तद्रिशा के लाइफ में एंट्री मार चुकी हैं हमारी अंकिता। मतलब ये दोनों एक दूसरे को थोड़ा समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, फिर देन धीरे 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 समझते ही हैं। मतलब एक दूसरे को अपना पास शेयर करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रीवियस पार्ट से। तो ऐसा होता है कि ये दोनों एक दूसरे को समझते हैं, समझाते हैं, और उसके बाद ये दोनों को थोड़ा बहुत एक दूसरे पे सॉरिटी आती है कि हाँ यार, ये ठीक है या वो ठीक है। मतलब खैर, जो भी है, इन दोनों का जो भी है चलता है। फिर ये धीरे धीरे इनकी बात बढ़ती है, बात से थोड़ी मुलाकात बढ़ती है। मतलब मुलाकात मतलब दैट मीन्स कि धीरे धीरे मतलब एक दूसरे की आदत पड़ती है। फिर आता है भाई, मतलब कुछ कुछ बातें हमारी तद्रिशा को पसंद आने लगती हैं अंकिता। और फिर देन जो होता है, इनके लाइफ में भूचाल आता है। मतलब वो उनको प्रपोज करती हैं अंकिता को, मगर अंकिता जो है वो उनके प्रपोज़ल को मना कर देती हैं। तो कितने लोगों को लगा होगा कि वो एक्सेप्ट कर लेंगी वो भी बताना। अरे रुको ज़रा, इतना भी मत सोचो, आगे और है। तो इधर हमारी जो तद्रिशा है उनको बोलती हैं, बट हमारी जो अंकिता है वो मना कर देती हैं। और उनको उम्मीद नहीं होता कि इनके बीच में कुछ होगा या कुछ है। फिर खैर, मैं ये स्टोरी थोड़ा सा जल्दी सुना देती हूँ क्योंकि ये स्टोरी आप सबको जाननी ज़रूरी है, बस इसलिए। तो अंकिता के साथ इनकी नज़दीकियाँ धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, और फिर एक दिन डिसाइड करते हैं कि वो एक दूसरे से मिलेंगे। तो खैर, उनके घर पे वो मिलने के लिए हमारी तद्रिशा जाती हैं, और जाती हैं उनके घर पे। तो खैर, उनके घर पे तो उनको कोई नहीं मिलता है, और मतलब घर तो वो जाती हैं सिर्फ अंकिता के साथ जाती हैं उनके घर पे, और उनके घर पे कोई नहीं होता है मिलने मिलाने के लिए। उस वक्त ही एक दूसरे से मिलते हैं ऐसे टाइमिंग पे। तो वहाँ पे कुछ इंसिडेंट्स ऐसा होता है कि जबकि हमारी तद्रिशा ऑलरेडी मना कर चुकी होती हैं, सॉरी, हमारी अंकिता तद्रिशा को उनके प्रपोजल को ऑलरेडी मना कर चुकी होती हैं, फिर भी ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। फिर जब हमारी तद्रिशा जाती हैं, इन दोनों में किस होता है, मतलब वो अचानक से ही उनकी फर्स्ट मीटिंग में ही किस होना थोड़ा सा अजीब नहीं है? मुझे तो बहुत अजीब लगा। खैर चलो आगे बढ़ते हैं, हो गया। और देन ये दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया, या यूँ कह लें अंकिता ने एक्सेप्ट कर लिया। फिर इनकी रिलेशनशिप थोड़ी अच्छी चलने लगी। फिर धीरे 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 एक दूसरे का बिहेवियर, नेचर समझने लगे। जब बिहेवियर और नेचर समझने लगे, तो क्योंकि हमारी जो अंकिता थी थोड़ा सा पॉजेसिव, पॉजेसिव या साइको टाइप कह लें, मुझे नहीं पता कौन सा वर्ड उन पे सही लगता है या जो भी है, वो मेरे हिसाब से पॉजेसिव है। मैं साइको वर्ड यूज़ नहीं करूँगी। पॉजिटिवनेस उनका दिखने लगता है। अगर कभी
हमारी जो तदृशा होती हैं अपनी फ्रेंड से बात करें तो भी उनको इशू होता है, उनके घर वालों से वो बिज़ी रहें तो भी उनसे बात नहीं हो तो भी, मतलब उनको ना धीरे धीरे उन पे अंकिता हावी होने लगती है। मेरा बस इतना कहना है यार फ्रेंड्स कि जो लड़कियां लड़के जैसा फीलिंग रखते हैं, जो भी है टॉमबॉय होते हैं, तो क्या वो अपनी इंसानियत और अपने नेचर को भूल जाते हैं कि भैया बाई जेंडर आप लड़की ही पैदा हुए हो, आप बाद में अपनी फीलिंग को पहचाने हो, मगर ये मत भूलो कि भगवान ने जब आपको जन्म दिया है तो वो लड़की का ही दिल दे के आपको पैदा किया है जो बहुत सॉफ्ट होता है। तो आप किसी पे क्या यार, चलो तो ये है दर्द दिल से ज़्यादा मुझे ना अत्याचारी प्यार लग रहा है। अरे हाँ यार, ऐसा ही कुछ होता है, कुछ कुछ लोगों का प्यार दिखाने के कुछ और होते हैं और जताने के कुछ और। तो खैर आगे बढ़ते हैं, तो ऐसा ही कुछ होता है, इनके तद्दृश्य की ज़िंदगी में अंकिता एकदम हावी हो चुकी होती है, इनकी ज़िंदगी ऐसे मकाम पे आ खड़ी हुई होती है कि वो बर्दाश्त नहीं हो पा रही होती हैं हमारी तद्दृश्य से। वो अगर किसी के साथ घूमने जा रही हैं तो क्यों जा रही हो, किस लिए जा रही हो, ये वो वगैरह वगैरह, अगर वो खुद जाएं साथ में तो उन पे ना ध्यान दे के वो जिस अदर लड़की के साथ चले जाना, उनको वहीं छोड़ देना, उनको नोटिस ना करना, उनका ये बिहेवियर स्टार्ट हो गया है 2 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद। मेरे हिसाब से तो ये तरीका ही बिल्कुल अच्छा नहीं है। फिर वही, तुमसे प्यार है, तुमसे इकरार है, मोहब्बत है, पता नहीं यार इस प्यार के नाम पे लोग क्या क्या कर जाते हैं, या यूँ कह ले कि अपने फ्रस्ट्रेशन को कहीं और निकालते हैं, वो अपने घर वालों को ना कुछ कह पाए उस चीज़ में अपनी एक प्यारी मासूम से इंसान को पीसते हैं। ऐसा ही कुछ होता है तद्दृश्य के साथ। तो तद्दृश्य काफ़ी तंग आके उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाने लगती हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस रखने के बावजूद भी वो उनको परेशान करना नहीं छोड़ती हैं। फिर होता है ना यार, प्यार प्यार में हम अपने फ्रेंड्स के भी नंबर पहुंचा देते हैं ऐसे लोगों के पास, खुद से ज़्यादा ही भरोसा हो जाता। कुछ ऐसा ही हाल हुआ होता है हमारी तद्दृश्य के साथ भी, और उन्होंने भी यही गलती किया होता है। मेरा तो कहना ये है कि जब तक आप किसी को अच्छे से समझ ना लो, जान ना लो, तब तक आगे मत बढ़ो। ज़िंदगी लंबी है, क्या पता साथ कटे या ना कटे, ये कुछ लोग गलत भी अपने हिस्से आ जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ होता है और वो अपने आप को संभालने में लगी होती हैं। देन इधर इनके घर वाले, तद्दृश्य के घर वाले, उनकी शादी के लिए चर्चाएं होती है यार, सबके घर में होती है कि जब लड़की बड़ी हो जाती है तो घर वालों को सबसे पहले अगर कुछ सूझता है ना तो शादी का सूझता है, अरे यार लड़की की शादी करनी है, कुछ ऐसा ही हाल होता है। और इधर जो होता है कि उनको पता चल जाता है अंकिता को कि इनकी शादी पक्की की जाती है, फिर देन भाई साहब जो नाटक बंदी मचाती है वो देखने लायक है, मतलब सुनने लायक है। तो वो इनको फाइनली वो अपनी जो असलियत होता है ना, जो असली रंग होता है, वो उस पे आती है और हमारी तद्दृश्य को ब्लैकमेल करना स्टार्ट करती हैं, जो कि उनके कह सकते हैं कि कुछ खूबसूरत लम्हे हैं जो वो उन्होंने एक दूसरे के साथ एक दूसरे की रजामंदी से गुजारी थी। उन्होंने ये कह दिया कि मैं इसे फेक अकाउंट में पोस्ट कर दूंगी। ये ऐसे लोग पागल होते हैं क्या कि मतलब सोचते नहीं हैं, उस फोटो में अगर तद्दृश्य है तो वो खुद भी तो है उस फोटो के साथ, क्या उसकी बदनामी नहीं होगी। तो ऐसा होता है कि वो परेशान हो जाती हैं और हमारी तद्दृश्य उनको ब्लॉक कर देती हैं। ब्लॉक करने के बाद ऐसा होता है कि
उनको अपनी पिछली ज़िंदगी रिपीट होने लगती है, क्योंकि वो होता है ना यार कि हम जब बचपन में होते हैं ना तो हमें बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं होता, और या हमारे माँ बाप हमें इतने ओपन हो के नहीं बताते कि बेटा क्या चीज़ है कैसा है। क्योंकि अक्सर बच्चे जो होते हैं ना अपने घर वालों के हाथ ही, या आस पड़ोस या चाचा या मामा या जो भी हैं उनके हाथों उनका यौन शोषण होता है। कुछ ऐसा ही करने की कोशिश हुई होती है हमारी तद्दृशा के साथ, जो कि उनके मामा होते हैं, मामा या चाचा ऐसा कुछ था। मैं क्लियर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि इतना ही समझ लीजिए ऐसा हुआ होता है उनके साथ। वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक होता ना कि डिप्रेस इंसान, एक तो मतलब ज़िंदगी में उनका वो जो पिछली ज़िंदगी होती है ना, अंकिता ने ये बात बोल के उनको ये रिमाइंड करा दिया होता है कि लड़का हो या लड़की कोई अच्छा नहीं होता, और प्यार के नाम पे सब ठगते हैं यार, सब झूठ बोलते हैं कि हम तुमसे सच्चा प्यार करते हैं। और मुझे तो ये भी यकीन नहीं आता कि इस ज़माने में किसी ने किसी से सच्चा प्यार किया होगा। अगर किसी ने किया है तो उसको किसी ने निभाया नहीं होगा। तो अंकिता बहुत ही ज़्यादा प्यार का दावा करती थी उन पे, और उन्होंने एट लास्ट ये ब्लैकमेल करने के लिए ये रास्ता चुन लिया। और चुना ही नहीं, उन्होंने एक फेक अकाउंट बनाया और उसमें अपनी सारी फ़ोटोज़ उन्होंने पोस्ट कर दी। फिर उनके फ्रेंड जो होते हैं हमारी अंकिता के, कि वो फ़ोन करके बोलते हैं हमारी तद्दृशा से कि उसने तुम्हारे और उसकी फ़ोटो पोस्ट कर दी है, बातें हो रही हैं ये वो वगैरह वगैरह फेसबुक पे। तो ये फिर देन उनको अनब्लॉक करती हैं और फिर उनसे बात करती हैं, फिर जाके उनको समझाती हैं वो फ़ोटोज़ डिलीट हुई या नहीं हुई ये तो मुझे नहीं पता, बट हाँ इतना पता है कि उन्होंने समझाया तद्दृशा ने, तो देन जाके ये मैटर सॉर्ट हो गया था। और अंकिता जो थी वो भूल चुकी थी कि वो एक लड़की हैं और उनका एक दायरा है, एक लिमिट है। हमारी तद्दृशा इतनी सॉफ्ट हार्टेड लड़की हैं कि उन्होंने उनकी हर एक ज़्यादती बर्दाश्त की, यूँ कह ले कि प्यार के नाम पे उनके ऊपर हाथ उठाना। मुझे ये नहीं समझ में आता कि लड़कियां हाथ उठाती क्यों हैं आपके रिश्ते में। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की अगर चीज़ है, अगर कोई लड़का अगर किसी लड़की पे हाथ उठाता है तो उसको डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। अगर कोई लड़की एक रिलेशनशिप में हो गई एक लड़की पे हाथ उठाए तो उसको क्या कहेंगे, वो कौन सा जुर्म है? मतलब प्यार के नाम पे यार आप कुछ भी करोगे, मतलब किसी हद तक चले जाओगे ऐसे, मतलब ऐसे क्रिमिनल माइंडेड लोग होते कहाँ से हैं? और मेरे को ये जानना है कि ऐसे लोग को शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं होती, वो किसी और के साथ आज कर रहे हैं, कल को वो उसके साथ किसी ने किया तो कैसा लगेगा। खैर मैं इस बातों को ज़्यादा गहराई से ना सोचते हुए मैं आप सबको बस इतना समझाना चाहती थी कि किसी की अच्छाई का इतना भी फ़ायदा मत उठाओ कि वो आप पे भारी पड़ने लगे। और अगर कोई अच्छा होता है ना तो वो बुरा भी बन सकता है। खैर ये सब होने के बाद वो हमेशा तद्दृशा को धमकी देती थी कि तुम एक लेस्बियन हो तो तुम्हारे फैमिली को मैं जाके बता दूंगा ये वो वगैरह वगैरह। तो वो फाइनली थक हार के इस स्ट्रेस भरी ज़िंदगी से परेशान हो के वो खुद ही अपने घर वालों को अपने बारे में सब कुछ बता देती हैं। जब चारों तरफ से वो हार जाती हैं तो उनके पास यही रास्ता बचता है कि मतलब वो बता दे, क्योंकि ऐसे आप क्या कितने टाइम तक जी पाओगे और क्या। फिर और एक और बात है कि आप ऐसे किसी को मेंटली हैरेस्ट करके अपने साथ कितने दिन रख पाओगे। किसी को प्रेशर मत करो आपके साथ रहने के लिए,
आपके साथ है तब तक खुश है, अगर वो आपके साथ रह के भी खुश नहीं है तो यानी कि ना आपसे वो प्यार करता है ना ही आपकी केयर, वो सिर्फ आप मेंटली उसको परेशान कर रहे हो इसलिए वो साथ है। तो इस बात को समझ लेना चाहिए, प्यार के नाम पे ढोंग पाखंड नहीं करना चाहिए। और मोस्टली मुझे लगता यही है कि आज की जनरेशन में लोग प्यार के नाम पे पाखंड ही करना स्टार्ट कर दिए हैं। पहले के ज़माने में प्यार एक खूबसूरत एहसास हुआ करता था, अब प्यार के नाम पे लोग धोखा और चीट करते हैं। खैर आप सबको लग रहा होगा कि मैं अपनी भड़ास निकाल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये जब मैंने स्टोरी सुनी थी और तद्रिशा ने जब मुझे बताई थी तो मुझे ये लगा कि कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है, ऊपर से वो भी लड़की। अरे भाई बाद में आप जो भी फील करते हो जो भी हो, आप एक मेल फीलिंग के साथ हो ना कि मेल हो। आप भले आगे चल के जो भी बनते हो या खुद को ट्रांसप्लांट करते हो, जो भी है जो भी चीज़ें हैं वो सब आप पे निर्भर करता है, बट आप एटलीस्ट एक अच्छे इंसान तो बनो यार, इंसानियत अंदर रखो लड़का हो या लड़की। खैर उम्मीद ही किसी से करना बेकार है कि किसी के अंदर इंसानियत और जज्बात होंगे। खैर जब हमारी तद्रिशा बता देती है अपनी फैमिली को, उनकी फैमिली वाले उनके इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और अभी भी नहीं किए हैं। हमारी तद्रिशा लगी पड़ी है उनको अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए, बट उनके घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इस बात के लिए। उनकी माता जी को लगता है कि वो बीमार है, उनका ट्रीटमेंट कराएंगे, बट ये चीज़ जानने के बाद लोग क्यों कहते हैं कि वो बीमार है। खैर जो भी है, आपको ये स्टोरी कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। और तद्रिशा के ज़िंदगी में अब एक और इंसान ने दस्तक दी है और वो इंसान उनके लिए काफ़ी ख़ास है। इस टाइम एट अ टाइम उनके लाइफ में वो है और उन दोनों की ज़िंदगी अच्छी चल रही है, वो खुश हैं एक दूसरे के साथ। अब पता नहीं उनकी ज़िंदगी और उनका रिलेशनशिप भगवान करे अच्छा चले और जो भी चले जो भी हो उनके साथ अच्छा हो, क्योंकि उन्होंने अभी तक तो बहुत कुछ सहा है। रिलेशन के नाम पे बहुत चीज़ें सही हैं। तो आप सब ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी और क्या कहना है इस बात पे आप सबको, और ख़ासकर जो टॉम बॉयज हैं मैं उनका ओपिनियन जानना चाहूँगी कि वो मतलब क्या सोचते हैं यार, कि मतलब वो एक फीमेल फीलिंग के साथ चल रहे हैं जी रहे हैं तो वो अपने आप को मेल क्यों समझ बैठते हैं, वो खुद को एक अच्छा इंसान क्यों नहीं समझते कि वो एक अच्छा इंसान है या उनकी एक अच्छी लाइफ है या एक जो इंसान उसके साथ रह रहा है उसकी केयर कर रहा है उसको प्यार दिखा रहा है ऑनेस्टी के साथ, आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो यार। जो भी है मैं सबको ब्लेम नहीं कर रही, बट मेरा कहना बस इतना है कि प्यार को बस प्यार की तरह ही लो, शक और जो होता है ना अंदर के और जो जानवर है उसको अंदर ही दबा के रखो, इंसानियत ज़िंदा रखो। कहते हैं ना कि हर इंसान के अंदर एक जानवर होता है, बट ये तो सोचो आप जानवर नहीं इंसान हो, इंसान की तरह रहो। तो चलिए देन ये रहा स्टोरी का एंडिंग और ये बताइएगा कि ये स्टोरी आप सबको कैसी लगी। और चलिए मिलेंगे कोई नई स्टोरी नई कहानी और नए जज्बे के साथ और कुछ नया सिखाने के लिए कुछ नया बताने के लिए एक सोच एक ज़िंदगी का एक्सपीरियंस आप सबको बताने के लिए कि आखिरकार ज़िंदगी में होता क्या है। ज़िंदगी रियलिटी में ना बहुत अलग होती है फिल्म दुनिया से या अदर चीज़ों से। चलिए आज ज्ञान की बातें बहुत हो गई, बहुत ज्ञान दे दिया। तो बाय, गुड नाइट, टेक केयर।